Bismillahirrahmanirrahim. I hope you can all hear me. Yes, sir. Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Waalaikum assalam. Main mera screen sharing pe kar lunga. Acha. Now you can see the screen as well. Yes, sir. Okay. Today's lecture is regarding the histopathological findings of metabolic skin diseases. अच्छा अब आप ये मुझे कहेंगे कि ये जो मेटाबॉलिक स्किन डिजीजेस हैं ये कहाँ से दरमियान में एंटर हो गई वो सारे जो फॉर्मूले में जो मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस का तो इसका जवाब ये है कि ये जो मेटाबॉलिक स्किन डिसऑर्डर्स हैं इनकी जो हिस्टोलॉजीज हैं ये मिक्स किस्म की हिस्टोलॉजीज हैं और चूंकि ये किसी एक पैटर्न में फिट नहीं होती तो इसलिए हम इनको ना इंडिविजुअली अलग अलग डिस्कस करेंगे. कुछ में लैकिनॉइड चेंजेस आएंगी, कुछ में कोई नेक्रोटिक से या वेजिकुलर लीजन्स हैं. तो मतलब जो हमने मेजर पैटर्न्स हिस्टोपैथोलॉजी के डिस्कस किए थे इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस में उनमें किसी ना किसी पे ये कोई ना कोई डिसऑर्डर फिट हो जाएगा. लेकिन इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि डिपॉजिट्स बाय इटसेल्फ इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. एक तो मैंने लेक्चर ईद के दौरान अपलोड किया था उसमें मैंने आपको जिक्र किया था कि देयर आर थ्री कॉजेज ऑफ पेशेंट हैविंग अ रेज्ड लिजन जैसे कि पेप्यूल प्लाक या नोड्यूल है तो उनमें से एक कॉज है वो है हाइपरप्लेजिया. जैसे कि सोरेसिफॉर्म हाइपरप्लेजिया होता है स्किन थिक हो जाती है एपिडर्मस और अपेरेंटली ऐसा नजर आता है कि जैसे कि कोई पेप्यूल या प्लाक बन गया हुआ है. दूसरी है इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है चाहे वो ग्रैनुलोमेटस हो चाहे वो नॉन ग्रैनुलोमेटस हो एंड रिजल्टिंग फ्रॉम दैट इन्फ्लेमेशन द स्किन बिकम्स थिकेंड एंड फॉर्म अ पेप्यूल और अ प्लाक. और जो थर्ड चीज होती है थर्ड कॉज होती है वो डिपॉजिट्स होते हैं. डिपॉजिट्स का मतलब ये है कि वो केमिकल्स जो स्किन में नॉर्मल केमिकल्स नहीं है बाज दफा नॉर्मल केमिकल भी एक्सेस में आ जाते हैं लेकिन वो केमिकल जो स्किन का नॉर्मल हिस्सा नहीं है वो वहां पे आके डिपॉजिट होते हैं स्किन के अंदर एंड देन इट रिजल्ट्स इन अ रेज लीजन पेप्यूल और प्लाक. तो ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं ये उन कंडीशंस में इंक्लूड किए जाएंगे कि जिसमें जो जिसमें डिपॉजिट्स स्किन के अंदर आ जाते हैं. अच्छा इस आज के आफ्टर टुडेज टॉक वी एक्सेप्ट पैनिकुलाइटिस वी वुड बी कम्प्लीटिंग द इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस. और पैनिकुलाइटिस की हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस मैंने इसलिए ओमिट किए हैं कि वो मैं पैनिकुलाइटिस जब आपको एज अ टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें उसकी हिस्टोपैथोलॉजी का जिक्र कर दूंगा. तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड वी वुड टेक अप द बिनाइन एंड मेलिग्नेंट स्किन ट्यूमर्स एज फार एज द डर्मेटोपैथोलॉजी इज कंसर्न. तो हम डर्मेटोपैथोलॉजी में बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड. तो लेट्स प्रोसीड टू दिस टुडेज लेक्चर. कुछ लोगों को एडमिट करना है. नाउ द लर्निंग आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर इज टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन द फॉलोइंग मेटाबॉलिक स्किन डिजीजेस लाइक ज़ेंथोमास, एंजियोकेराटोमास, क्यूटेनियस एमाइलोडोसिस, कोलॉइड माइलियम, लिपोइड प्रोटीनोसिस, पोरफायरिया, गाउट, कुप्रोनोसिस, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफाइलेक्सिस, म्यूसिनोसिस, म्यूकोसील, स्कर्वी, पिलाग्रा एंड एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका, नेक्रोलिटिक माइग्रेटरी. तो ये आई विल बी कवरिंग दीज 16 डिसऑर्डर्स हैविंग वेरिएबल एंड डाइवर्स एटियोलॉजीज इन टुडेज टॉक. So let's start from xanthoma. Few clinical pictures and then histopathology. We are not going to discuss the investigations and the treatment here because this is a dermatopathology class. Eruptive xanthoma, you all know, are numerous small yellow papules which are present on any part of the body and occur in crops and it waxes in veins and are associated with pruritus. जो चीज इंपॉर्टेंट है याद करने की वो ये है कि अमंग ऑल ज़ेंथोमास द इरेप्टिव ज़ेंथोमास आर बिकॉज ऑफ हाइपर ट्राइग्लिसेराइडेमिया. रेस्ट ऑफ ऑल द अदर ज़ेंथोमास आर बिकॉज ऑफ हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया. तो ये एक इरेप्टिव ज़ेंथोमा का ये टिपिकल याद रखें
और जब हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया होगा तो जो लाइपोप्रोटीन इंक्रीज होते हैं वो VLDL एंड नाउ व्हेनेवर देयर इज इरप्टिव ज़ेंथोमा देयर इज इंक्रीज टेंडेंसी टू डेवलप डायबिटीज एंड अल्कोहलिक लिवर डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा. So, other type of xanthomas include the tendinous xanthomas, which occur along the tendons, usually the large, big tendons, and it is hypercholesterolemia, increased LDL, and there is increased risk of coronary heart disease. All the disorders having hypercholesterolemia carry increased risk of coronary heart disease. Tuberous xanthomas, these usually occur on the extensors, firm nodules on the extensor aspects, and among the most common differential diagnosis, it is the erythema elevatum diotinus. Tuberous xanthomas can be smaller in size and form of eruptive lesions, again on extensor surfaces. Xanthelasmas, a very common presentation we come across almost very frequently in our OPDs, again a common manifestation of hypercholesterolemia. Planar xanthomas, that these are characterized by excessive yellow plaques on the scalp and can occur anywhere on the body. And then this kind of presentation should make you search for associated paraproteinemia. So what is the presentation? You all know that xanthomas are associated with foamy histocytes. There will be the main infiltrate in case of xanthomas will be histocytes. And in scanning view, it will appear as dense infiltrate in upper dermis, while if you go to higher magnifications, then we would see abundance and sheets of histocytes which would be carrying foamy cytoplasm like this. So these are typical foamy histocytes. You can see that these are giant cells, histocytic giant cells with the typical cytoplasm, which is an appearance of a foamy cytoplasm. Jaise ki jhag bhara hua hai is cytoplasm ke andar. So individual histocytes ke andar bhi foamy hai aur even giant cells ke andar bhi foamy cytoplasm. Achha, you all know that the foamy histocytes, another disease in which foamy histocytes are seen is lepromatous leprosy. Ek to major difference hoga with lepromatous leprosy wo grand zone ki absence hogi. Matlab jo jis tarah ka ek maine aapko grand zone ki definition batai ki it is a zone of normal papillary dermis between a normal epidermis and abnormal dermis. So grand zone eruptive xanthomas mein nahi hoga. Aur otherwise sheets of histocytes milenge with foamy cytoplasm. Baaz dafa lepromatous leprosy ke andar aapko cutaneous nerves bhi milti hain among this infiltrate. Aur baaz dafa agar to borderline lepromatous ka case hai to phir aapko aise bhi ho sakta hai ki aapko kahin pe hint of granuloma formation mile, जो कि इरप्टिव जेंथोमा में या कोई भी और जेंथोमा में नहीं होगा. अच्छा, अगर हम जेंथोमास का फ्रोजन सेक्शन लें और फ्रोजन सेक्शन पे हम ऑयल रेड ओ स्टेन कराएं तो यू कैन स्टेन द फैट रेड. लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि ये ऑयल रेड ओ स्टेन जो है दिस इज नॉट डन इन फॉर्मलिन फिक्स्ड सेक्शंस जो हम नॉर्मली यूज करते हैं. अच्छा, जो इरप्टिव जेंथोमास हैं या जिसमें प्लेन जेंथोमास हैं उसमें तो शीट्स हो गए इसको सही, लेकिन ट्यूबरस जेंथोमास जैसे कि स्किन पे जाहिर होते हैं कि फर्म नोड्यूल्स की तरह से, तो वहां पे ना जो ये फोमी स्टोसाइट्स हैं वो भी नोड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में हो. और एक और चीज जो टिपिकल होगी ट्यूबरस जेंथोमा में वो फाइब्रोसिस होगा. और आपको याद दहानी करा रहा हूँ कि जो इसका
क्लोजेस्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो एथीमा एलिवेटम डायोटिनम, जिसके अंदर न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट होता है, वेस्कुलाइटिस होता है, और अगेन उसमें भी फाइब्रोसिस होता है। तो जो फाइब्रोसिस के जो फीचर है या इंक्रीज इन फाइब्रोब्लास्ट या इंक्रीज थिकनेस ऑफ कॉलेजन, ये दोनों रिलेटेड पैथोलॉजीज का फीचर है। नाउ तो फाइनली ये हुआ कि जो ज़ेंथोमास हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय शीट्स ऑफ फोमी हिस्टोसाइट्स, और जो ट्यूबरस ज़ेंथोमा है उसमें इन एडिशन टू दिस देयर इज मार्क फाइब्रोसिस। तो ये बात आपने याद रखनी है। मैंने आपको इसका डिफरेंशियल बताया कि इसका डिफरेंशियल लेप्रोमेटस लेप्रेसी है और ट्यूबरस ज़ेंथोमा का डिफरेंशियल एरिथीमा एलिवेटम डायोटिनम है, लेकिन एरिथीमा एलिवेटम डायोटिनम क्लिनिकल डिफरेंशियल और लेप्रोमेटस लेप्रेसी हिस्टोलॉजिकल डिफरेंशियल। नाउ एंजियोकेराटोमास, एज द नेम सिग्निफाइज, एंजियो मतलब ब्लड वेसल्स एंड केराटोमास मीन्स केराटिनाइजेशन ऑफ द स्किन। So both these two features should be present in case or histologically in case of angiokeratoma. So angiokeratomas can be of different forms. Jo ek typical angiokeratoma ki presentation hoti hai, wo hoti hai angiokeratoma corporis diffusum. Waise solitary angiokeratomas hain, giant angiokeratomas hain. Wo main abhi angiokeratomas kyunki discuss nahi kar raha, lekin angiokeratoma corporis diffusum ko एक जस्ट उसकी क्लिनिकल फीचर्स जस्ट टच करूंगा। इसको दिस इज अ हॉलमार्क ऑफ फैब्रेज डिजीज, इट्स एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। आपको मालूम है कि मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक स्किन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, नॉट स्किन डिसऑर्डर्स, मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो ये भी उस तरह का एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, डिसऑर्डर है जिसमें डेफिशिएंसी होती है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज की। So angiokeratomas develop, मुझे ना म्यूट करना पड़ रहा है, आप लोग अपना शोर छोड़ देते हैं। तो इट इज एन एंजियोकेराटोमा विच डेवलप्स आफ्टर प्यूबर्टी एंड इट हैज बेदिंग ट्रंक डिस्ट्रीब्यूशन, जेनिटल्स आर द कॉमनली इन्वॉल्व साइट। फेब्रिल्स डिजीज के साथ ना आप ये तीन मैनिफेस्टेशंस याद रखें, एक्रोपैरेस्थीसिया, हाइपोहाइड्रोसिस एंड हीट इंटॉलरेंस। ये सिम्टम्स हैं जो अगर एंजियोकेराटोमा के साथ अगर रहें तो फिर आप इसको फेब्रिल डिजीज या एंजियोकेराटोमा कॉर्पोरस डिफ्यूजम कह सकते हैं। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू हिस्टोपैथोलॉजी जो हमारा मेन टॉपिक है, उसमें आपको एक तो एक्टेटिक ब्लड वेसल मिलेगी। हाँ, एक आपने एक्रोपैरेस्थीसिया कहा और बाकी दो क्या बताया? हाइपोहाइड्रोसिस, एक्रोपैरेस्थीसिया एंड हीट इंटॉलरेंस, सारे ऑटो इम्यून फिनोमेनास हैं, ठीक है। एंजियोकेराटोमा की जो हिस्टोपैथोलॉजी है वो मैंने आपको बताया, एक तो एंजियोमा लाइक ब्लड वेसल्स एंड केराटोमा लाइक केराटोटिक स्किन। तो दे विल बी डायलेटेड ब्लड वेसल जो कि हेमेंजियोमास में भी होती है, मतलब इस तरह की ना एक्टेटिक ब्लड वेसल्स आपको हेमेंजियोमास में मिलेंगी। लेकिन क्योंकि एंजियोकेराटोमास आप देखते हैं फ्यू मिलीमीटर से बड़े नहीं होते, अब किसी आई एम सॉरी आप में से किसी ने ना अपना माइक ऑन किया है जो कर रहा है, अब ये ना मैंने आपका ये दूसरी दफा माइक ऑफ कर रहा हूँ, ओप्पो A5। अच्छा, तो हेमेंजियोमा आर क्लिनिकली दे आर लार्ज लीजन, जबकि एंजियोकेराटोमास आर क्लिनिकली स्मॉल टाइनी पेप्यूल, फ्यू मिलीमीटर, मे बी 5 और लेस देन 5 मिलीमीटर। तो जाहिर है जब लीजन छोटा है तो स्किन की हिस्टोलॉजी में भी छोटी जगह पे नजर आएगा। अब यहाँ पे दो एंजियोकेराटोमास हैं, दोनों एक एक डर्मल पेपिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं। देर इज अ लार्ज एक्टेटिक ब्लड वेसल्स which is congested with the RBCs, and on top of that vessel there is acanthosis and hyperkeratosis. So keratoma is hyperkeratosis. ये closer view है, ये आपको endothelial lining नजर आ रही है, ये जो single cells हैं ये एक vessel की endothelial lining है, ये तो endothelial lining नजर आ रही है और congested with RBCs हैं, और इसके ऊपर there is हाइपर केराटोसिस, तो इंक्रीज केराटिनाइजेशन।
इससे ज्यादा कोई इसमें हिस्टोलॉजी नहीं है, ये दोनों चीजें आपने याद कर ली कि देयर इज एन एक्टेटिक ब्लड वेसल्स. अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हिमेंजियोमा होता, अगर ये हिमेंजियोमा होता जाहिर है हम हिमेंजियोमा को पूरा का पूरा तो निकाल नहीं सकते, तो हम एंजियोमा को एक पार्ट निकालेंगे, लेकिन वो भी आपको अगर फॉर एग्जांपल इतना बड़ा एक सेक्शन है तो आपको सेक्शन में कई जगह पे मल्टीपल साइज की ब्लड वेसल्स नजर आएंगी. इस तरह से एक सॉलिटरी सॉलिटरी एक्टेटिक वेसल्स नहीं होंगे. नाउ एमाइलाइडोसिस, एमाइलाइडोसिस इन्वॉल्व द स्किन वेदर इट्स सिस्टेमिक एमाइलाइडोसिस और वेदर इट्स क्यूटेनियस एमाइलाइडोसिस. प्राइमरी सिस्टेमिक एमाइलाइडोसिस इज एसोसिएटेड विद मल्टीपल माइलोमा and consist of immunoglobulin light chain which are mostly lambda chain and characterized by waxy nodules anywhere on the body, mainly yahan pe ear dikhaya gaya hai. aur dusri baat ye hai ki jo waxy nodules hain inme purpuric element zarur hota hai, yaad rakhiye. then lips ke upar bhi you will see papular mucosal lesions with hemorrhages. kyun hota hai? generally amyloidosis blood vessels ko involve karta hai और वेसल वॉल डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से वेसल्स लीकी हो जाती है. इसलिए आमतौर पे स्किन लीजन्स जो एमाइलाइडोसिस के होंगे सिस्टेमिक एमाइलाइडोसिस के उसके अंदर देयर विल बी एसोसिएटेड हेमरेजेस और पर्पुरा. नाउ दिस इज अ पिंच पर्पुरा जो एक कॉमन पर्पुरा है जो प्राइमरी सिस्टेमिक एमाइलाइडोसिस का एक करेक्टरिस्टिक या क्लासिकल लीजन है विच कैन अकर ऑन द अपर आईलिड, कैन अकर ऑन द फेस as well as on the chest. Macroglossia, जब कभी macroglossia के differential आएंगे जिसके अंदर आपको lipoid proteinosis, जिसके अंदर आपको Cushing syndrome, जिसके अंदर Down syndrome, उसमें primary systemic amyloidosis का या acromegaly का भी जिक्र रखना है. अच्छा, क्या इसके features? The main feature of histological feature is deposit of amyloid like material which of course in case of systemic amyloidosis is derived from the immunoglobulins light chains. Zyada jo skin pe aata hai wo lambda chain hai, to ye proteinaceous material hai jo deposit ho raha hai aur it is being deposit in form of a circumscribed nodules in the dermis. Now, I have put up a slide of macular amyloidosis. Cutaneous amyloidosis आमतौर पे दो तरह का होता है, एक macular है, एक papular है. Macular is character जो आप लोग commonly देखते हैं on the back of neck and chest, जिसमें आपको rippled सी pigmentation नजर आती है. Rippling जैसे कि आप एक पत्थर फेंकते हैं किसी pond में तो जो ripples create होती हैं waves की, उस किस्म की वेव्स की नजर आती हैं स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन. अब यहां पे आप देखें कि जो मैक्युलर एमाइलाइडोसिस है उसमें जो एमाइलॉइड मटेरियल है वो डिपॉजिट है पेपिलरी डर्मस, नॉट इन द डर्मस, नॉट इन द रेटिकुलर डर्मस. और जो स्किन का एमाइलॉइड मटेरियल है ये इट इज डिराइव फ्रॉम द एपिडर्मस, ये केराटिन है, इट इज नॉट the protein derived from immunoglobulin. So, इसलिए हमारे cutaneous amyloidosis में there is no paraproteinemia, no multiple myeloma. So, ये जो finding है ये basically एक localized finding है because of increased scratching या damaging the skin surface. As a result, जो keratin को बाहर गिरना था वो skin के अंदर गिर जाती है. So, this is this proteinaceous material is derived from keratin. You can see these faceted. A faceted क्या होती है कि जैसे कि आप एक सेब को अगर आप चार हिस्सों में काटें तो जो सेब की जो सरफेस होगा, जो सेब की जो मुख्तलिफ फांकों के अंदर नजर आएगा वो एक faceted appearance. तो इट इज एन अपीयरेंस लाइक द पील्ड ऑफ एंड कट ऑफ एप्पल. सो इट इज faceted appearance एंड रिस्ट्रिक्टेड टू द papillary dermis. दिस इज लाइक एन amyloidosis. Now you see, in addition to the pigmentation, there will be slight raised lesions in a form of lichenoid or bluish color pigmented raised lesions. Usually it's an itchy cutis condition, काफी itching होती है, and ये इसका इस तरह की जो appearance है ना, ये एक waxy से papules हैं, इस appearance का differential diagnosis
लाइकन मिक्स एडिमा भी है, लाइकन म्यूसिनोसिस भी है, वो भी अभी आगे आएगा, लाइकन प्लानस हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लानस भी, तो प्रूराइगो भी है, तो इस किस्म के डिसऑर्डर्स आपने सोचने होंगे. अब लाइकन एमाइलोडोसिस में देर आर टू हिस्टोपैथोलॉजी, एक तो इंटरफेस डर्मेटाइटिस और दूसरा अगेन वही फेसेटेड डिपॉजिट्स ऑफ एमलॉयड मटीरियल इन द पैपुलरी डर्म. तो जब इंटरफेस चेंज होगी तो देर विल बी बेसल सेल डीजनरेशन एंड पिगमेंट्री इनकॉन्टिनेंस. तो जो पिगमेंट आ रही है लाइकन एमाइलोडोसिस की, वो उसका रीजन ये पिगमेंट्री इनकॉन्टिनेंस है. इन एडिशन टू दैट देर विल बी एमलॉयड मटीरियल विच इज डिपॉजिटेड इन द पैपुलरी डर्म. जो एमलॉयड का स्टेन है वो कॉन्गो रेड है. जब कॉन्गो रेड स्टेन वी डू इट ऑन नॉर्मल एच एन ई सेक्शन, तो जब हम एच एन ई सेक्शन कराते हैं तो कॉन्गो रेड से वो एमलॉयड रेड स्टेन हो जाता है. लेकिन आफ्टर दैट, आफ्टर गेटिंग इट स्टेन रेड, हमारा मामला हल नहीं होता, क्योंकि रेड स्टेन कॉन्गो रेड बहुत सारी कंडीशन और में भी ले सकता है. हमारा डायग्नोसिस उस वक्त कन्फर्म होता है कि जब हम पोलराइज माइक्रोस्कोपी करते हैं, एंड ऑन पोलराइज माइक्रोस्कोपी दिस कॉन्गो रेड स्टेन एमोलॉयड मटीरियल विल गिव ग्रीन, एप्पल ग्रीन बाय रिफ्रिंजेंस. बाय रिफ्रिंजेंस का मतलब ये है कि हम दो तरह के पोलराइज लेंस यूज करते हैं, एक नीचे रखते हैं बेस के ऊपर और एक रखते हैं हम स्टेज के ऊपर जहाँ पे स्लाइड के ऊपर. तो जब हम उनको मूव करते हैं उनमें से किसी एक को, तो उसमें से शाइनिंग का लुक आती है, और उसको जब हम मूव करते हैं पोलराइज्ड लेंस को तो ये शाइन देता है बाय रिफ्रिंजेंस, और इसकी टिपिकल कलर है एप्पल ग्रीन कलर. तो सिर्फ कॉन्गो रेड स्टेन करना इज नॉट sufficient, you have to do a polarized microscopy and should demonstrate this apple green birefringence to diagnose it as amyloidosis. Colloid myelium, another related disorder जिसके अंदर जो histopathology है वो amyloid से मिलती है. लेकिन कोलाइड माइलियम भी दो तरह का है. एक है जी जुवेनाइल कोलाइड माइलियम और एक है एडल्ट कोलाइड माइलियम. जुवेनाइल कोलाइड माइलियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय पैपुलर थिकनिंग ऑफ स्किन, पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग द चीक, नोज एंड फोरहेड. ये जो अपीयरेंस है ये मैच करती है क्लिनिकली लिपॉइड प्रोटीनोसिस से. लेकिन लिपॉइड प्रोटीनोसिस में पैपुलर थिकनिंग नहीं होती, डिफ्यूज थिकनिंग होती है. लेकिन जुवेनाइल कोलाइड माइलियम में स्किन की थिकनिंग होगी, लेकिन इन अ फॉर्म ऑफ पैपुलर पैप्यूल्स की फॉर्म. इट्स एन अगेन एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. जो पैप्यूल, अगर हम इंडिविजुअल पैप्यूल को बायोप्सी करें तो आपको बिल्कुल एमोलॉयड की तरह से एक फेसेटेड सा मटीरियल डिपॉजिट हुआ नजर आएगा अलॉन्ग द पैपुलीडर्मस. Again, the faceted nature of this material is quite obvious here. Adult colloid myelium. It is a disorder which occurs mainly in fair skin males who are chronically sun exposed, usually in middle ages, or associated sometime with myeloma and beta thalassemia. Histopathological finding is almost similar to juvenile colloid myelium. Nodular see papillary dermis mein eosinophilic material deposit ho raha hai, and again ye jo material hai iska origin is keratin, and the keratin, sorry, iska origin keratin se zyada elastin hai, elastic fiber. Isliye ye solar elastosis जिन लोगों को होता है उनको एडल्ट कोलाइड माइलियम भी होता है. तो ये इस इओसिनोफिलिक मटेरियल के अंदर दे विल बी डीजनरेटेड इलास्टिक फाइबर्स अलोंग विद डीजनरेटेड केराटिन. नाउ वी हैव कम टू अच्छा यहाँ पे कोई कॉन्गो रेड स्टेनिंग नहीं, यहाँ पे कोई ग्रीन बायरेफ्रिंजेंस नहीं,
तो ये अगर तो कभी कंफ्यूजन होगा एमाइलाइडोसिस से, तो हम कॉन्गो रेड स्टेनिंग और ग्रीन बायोफ्रिंजेंस करके इसको एमाइलाइडोसिस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ वी हैव कम टू लिपोइड प्रोटीनोसिस। It's an autosomal recessive disorder characterized by deposition of hyaline material in almost every organ of the body, including the skin. और skin पे एक skin की एक diffuse सी doughy thickened consistency होती है. And there can be bully and pustules which can be followed by fork-like scarring. और this is characteristic finding ये waxy papules on the eyelids. बाज दफा ये जो वैक्सी पेप्यूल्स हैं ये आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं या इसको हेल्प करते हैं डायग्नोस करने में, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ए स्ट्रिंग ऑफ बीड। म्यूकोजा में भी जिस तरह से सिस्टेमिक एमाइलाइडोसिस में मैंने दिखाया था, देयर विल बी अगेन पेप्यूल्स प्रेजेंट ऑन द म्यूकोजल सर्फेस गिविंग द कॉबल स्टोन अपीयरेंस, लेकिन यहाँ पे सिस्टेमिक एमाइलाइडोसिस से डिफरेंस ऐसे है कि यहाँ पे हेमरेजिक या पर्पुरिक एरियाज नहीं, सिर्फ थिकनिंग और पेपुलर थिकनिंग ऑफ म्यूकोजा है, पैलेट है, टंग है। लिपोइड प्रोटीनोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ इओसिनोफिलिक होमोजेनस मटेरियल सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स एंड सराउंडिंग द स्वेट कॉइल्स। अब जो एक्राइन डक्ट्स है ना, उनके गिर्द भी ये हाइलाइन मटीरियल है। तो दो साइड्स हैं लिपोइड प्रोटीनोसिस के मटेरियल की डिपोजिशन की, ब्लड वेसल भी और स्वेट कॉइल्स भी। अगर हम पीएएस स्टेन कराएंगे तो ये इओसिनोफिलिक मटेरियल पीएएस स्टेन लेता है, तो यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट दिस स्पेशली इओसिनोफिलिक डिपॉजिट सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स एंड सराउंडिंग द स्वेट कॉइल। नाउ पोरफायरिया। अब पोरफायरिया भी बड़े डिटेल में डिस्कस हो चुका है इन माय लेक्चर ऑन पोरफायरिया, बट वी वुड अगेन इंक्लूड इट फॉर द सेक ऑफ रेपिटिशन एंड फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस स्पेशल लेक्चर। पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा के अंदर देर विल बी अ हायलिनाइज्ड इओसिनोफिलिक मटीरियल सराउंडिंग द ब्लड वेसल। अब यहाँ पे डिफरेंस लिपोइड प्रोटीनोसिस से ये है कि लिपोइड प्रोटीनोसिस में ये इओसिनोफिलिक हाइलाइन मटेरियल ब्लड वेसल के गिर्द भी है और स्वेट कॉइल्स के गिर्द भी, जबकि पी पोरफायरियास के अंदर ये मटेरियल सिर्फ ब्लड वेसल्स के गिर्द, स्वेट कॉइल्स के गिर्द नहीं है। अब यहाँ पे बड़ी एक खूबसूरत अपीयरेंस आ रही है पीसी पोरफायरिया की कि जिसमें ये इओसिनोफिलिक मटीरियल सराउंडिंग द ब्लड वेसल। अच्छा, यू ऑल नो कि पीसीटी में बुली भी बनते हैं और पोरफायरिया के जो ब्लिस्टर हैं वो हम नॉन इन्फ्लेमेटरी ब्लिस्टिंग डिसऑर्डर, सब एपिडर्मल ब्लिस्टिंग डिसऑर्डर्स में क्लासिफाई करते हैं। तो ब्लिस्टर बनेगा सब एपिडर्मल और देयर विल बी नो इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट विद इन द ब्लिस्टर। ये फेस्टूनिंग ऑफ डर्मल पेपिली भी नजर आ रहे हैं, डर्मल पेपिली ब्लिस्टर के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे भी फेस्टूनिंग नजर आ रही है। अब पीएस स्टेन करा लिया अगर हमने इस ब्लिस्टर का, तो हमें ब्लिस्टर भी मिल रहा है और पी एस ए एस पॉजिटिव मटीरियल सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स भी नजर आए। नाउ द नेक्स्ट डिजीज व्हिच कम्स हियर इज गाउट। गाउट यू ऑल नो के देर, आप म्यूट कर लें काइंडली, आपकी आवाज आ रही है। ओके, गाउट में देर इज मैसिव डिपोजिशन of these gout crystals in the skin. अच्छा, अब अगर हम इसके crystals gout का हमने biopsy ली या scraping ली from the gouty tophi और उस scraping को आपने slide पे लेके you send it to histopathology department और उनसे कहेंगे कि आपने इसको formalin fixation नहीं करनी, इसको alcohol fixation करनी। अगर इस मतलब आप गाउटी टोफाई को निकालें, उस मटेरियल को स्लाइड पे लें और अल्कोहल फिक्स करें, जब आप अल्कोहल फिक्स करेंगे तो आपको इस किस्म की अपीयरेंस नजर आएगी जिसमें ये यूरेट मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स
आपको क्रिस्टल क्रिस्टल से ये लंबी लंबी से ना क्रिस्टल्स नजर आएंगे, जिनको अगर हम पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी के नीचे देखेंगे तो आपको जो स्किन है उसमें तो पोलराइजेशन नजर आएगी, लेकिन क्रिस्टल्स पोलराइज नहीं होंगे, वो नेगेटिव बायरेफ्रेंजेंस देंगे, मतलब उसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा, सराउंडिंग स्किन में थोड़ा बहुत आएगा। तो ये जो नेगेटिव बायरेफ्रेंजेंस है ये टिपिकल है इन गाउटी क्रिस्टल्स। लेकिन ये बात आपने जहन में रखना है कि ये जो नेगेटिव बायरेफ्रेंजेंस डिस्क्राइब्ड है गाउटी टोफाई की, ये अल्कोहल फिक्स सेक्शंस की, ये फॉर्मलिन फिक्स सेक्शंस की नहीं है। अगर हम इसको फॉर्मलिन फिक्सेशन करेंगे तो फॉर्मलिन फिक्सेशन में गाउटी टोफाई एमोर्फस मटेरियल का लुक देंगे, ना कि क्रिस्टलाइन लुक, जिस तरह क्रिस्टल क्रिस्टल लुक थी ना ये वाली, जिसमें क्रिस्टल्स जैसे कि आपको इरेगुलर शेप के नीडल लाइक क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं, वो फॉर्मलिन फिक्स एच एंड ई स्टेन पे नजर नहीं आएंगे, वहां पे एमोर्फस मटेरियल मिलेगा, जैसे कि केजिएशन मटेरियल होता है ना, स्ट्रक्चरलेस सा, वेल लोकलाइज्ड स्ट्रक्चरलेस सा मटेरियल इन द डर्मस। और एक और चीज जो टिपिकल होती है वो देयर इज अ सराउंडिंग जायंट सेल रिएक्शन, जैसे कि फॉरेन बॉडी जायंट सेल रिएक्शन होता है ना, तो ये भी गाउटी क्रिस्टल्स भी फॉरेन बॉडी है, तो इस फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट एक फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमास बनते हैं, जायंट सेल फॉर्मेशन। कई दफा ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन का डायग्नोसिस भी मिल जाता है ऐसी कंडीशन में, लेकिन चूंकि हम निकाल रहे होंगे गाउटी क्रिस्टल का, आप हिस्टोलॉजी में यू आर सस्पेक्टिंग गाउटी टोफाई, तो गाउटी टोफाई की एच एंड ई पिक्चर एमोर्फस मटीरियल की है इन द डर्मस, सराउंडिंग द एमोर्फस मटीरियल देयर विल बी फॉरेन बॉडी जायंट सेल रिएक्शन। देन ऊक्रोनोसिस, ऊक्रोनोसिस कुछ दिन पहले बड़ा डिटेल में डिस्कस किया मैंने अपने क्लिनिकल स्लाइड सेक्शन में, एक्सोजेनस ऊक्रोनोसिस जिसमें विच बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्विनोन और फिनोल्स के लगाने से यू नॉट ओनली डिवेलप इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन बट द स्किन इज थिकन्ड एज वेल। अर्ली ऊक्रोनोसिस में सिर्फ थिकनिंग नजर आएगी कॉलेजन बंडल्स की, लेकिन जो लेट ऊक्रोनोसिस है उसमें ये कॉलेजन बंडल्स पिगमेंटेड भी होंगे, तो इनको हम बनाना बॉडीज भी कहते हैं। तो ये जो थिकनिंग ऑफ कॉलेजन, थिकन्ड एंड पिगमेंटेड कॉलेजन बंडल्स इन अपर डर्मस, दिस इज द फाइंडिंग ऑफ ऊक्रोनोसिस, वेदर वो एक्सोजनस हो या एंडोजनस हो, यही इसकी ऊक्रोनोसिस की पिक्चर। नाउ कैल्सिनोसिस क्यूटिस, कैल्सिनोसिस क्यूटिस मींस पिगमेंटेशन इन द स्किन, इट कैन बी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कैल्शियम मेटाबोलिज्म लाइक हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, तो उस केस में तो ये नॉर्मल स्किन के अंदर भी कैल्शियम डिपोजिशन हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रोफिक कैल्सिनोसिस क्यूटिस में द कैल्शियम विल बी डिपॉजिटेड इन एन एबनॉर्मल एरिया ऑफ स्किन, कैन बी एन अल्सर, कैन बी सम अदर डिसऑर्डर, इसमें से यू सी द मल्टीपल कैल्शियम डिपॉजिट, ये स्क्लेरोडर्मा का फीचर है, ये डर्मेटोमायोसाइटिस का फीचर है। जो कैल्शियम डिपॉजिट्स एच एंड ई स्टेन के ऊपर डार्क ब्लू कलर में नजर आते हैं, और दूसरा टिपिकल फीचर ये होता है कि ये जो डार्क ब्लू डिपॉजिट्स होते हैं इनका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता, एक शेप नहीं होती, ये मल्टीपल इरेगुलर शेप एंड साइज ब्लू कलर के डिपॉजिट्स डर्मस में मिल जाएंगे। और कैल्सिनोसिस क्यूटिस की स्लाइड को बड़े अच्छे से आपको डायग्नोज करना चाहिए, इसके गिर्द अगेन फॉरेन बॉडी जायंट सेल रिएक्शन हो सकता है। ये स्क्रोटल कैल्सिनोसिस है कि जैसे कि आपने अक्सर लोगों ने स्क्रोटल कैल्सिनोसिस जिसको एक जमाने में स्टीकोसिस्टोमा भी कहा जाता था, इसने अपना माइक ऑन किया है, ऑफ करेंगे आप। अच्छा जी, तो ये स्क्रोटल कैल्सिनोसिस में ना जो देर इज नो वेल फॉर्म्ड सिस्ट
बट कैल्शियम इज डिपॉजिटेड इन द डर्मस, जिसको हमें हम कट करके निकाल देते हैं रिपीट विद कैल्सीफाइलेक्सिस. ए कॉमन फाइंडिंग है व्हेनेवर इट इज एसोसिएटेड विद सम डिसऑर्डर ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, मे बी रिलेटेड टू क्रॉनिक किडनी डिजीज. On skin, we see ulcerated gangrenous lesion with surrounding erythema. ये एक मतलब उसमें आपको ulcerated भी होगा, necrotic भी होगा और calcinotic भी होगा. Histology जो है वो दो features हैं histology के calciphylaxis. एक तो ये कि जो blood vessels हैं in the dermis, उनके अंदर calcification, उनकी wall के अंदर आपको कैल्शियम डिपॉजिट्स मिले. और दूसरा ये कि यही जो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें कैल्शियम डिपॉजिशन मिल रही है उनके अंदर थ्रोम्बोसिस भी है. तो दीज आर कैल्सिफाइड एंड थ्रोम्बोस्ड ब्लड वेसल्स जो कैल्सिफाइलेक्सिस का हॉलमार्क. देन म्यूसिनोसिस एक बड़ा टॉपिक है जो हम म्यूसिनोसिस का हम डिस्कस करते हैं. There can be different causes and different presentations of mucinosis. Mucinosis is mainly accumulation of acid, glycosaminoglycan, which is also called as mucin. Particularly, उसके अंदर high hyaluronic acid है, which is present diffusely or focally in the dermis. So, mucinosis is generally a deposition of high hyaluronic acid. Diffusely or focally within the dermis. Hyaluronic acid का एक फीचर ये है कि it absorbs enormous amount of water, which is associated with excessive induration that is seen clinically in mucinous disorder. एक passing reference के तौर पे ये भी कहूँगा कि जब हम artificial hyaluronic acid in form of dermal fillers डालते हैं तो वो अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब करके नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा उभर जाते हैं. तो इसलिए एक एडवाइस की जाती है कि आप कभी भी ना फिलर लगाते हुए ओवरफिलिंग ना करें, क्योंकि देयर इज अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर इन केस ऑफ हायलोनिक एसिड. तो अभी तो हम डिजीज प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, तो म्यूसिनोसिस में हायलोनिक एसिड की डिपोजिशन के साथ साथ बिकॉज ऑफ हायलोनिक एसिड डिपोजिशन देर इज एडीमा एज वेल, जिसकी वजह से ये जो स्किन है ये डोई कंसिस्टेंसी देती है. क्लासिफिकेशन अगर हम करें डर्मल म्यूसिनोसिस की तो देर आर डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद डिफ्यूज डिपोजिशन ऑफ हायलोनिक एसिड, जिसमें स्क्रीन मिक्स एडीमा है, इसमें स्क्रीन एडीमा है, रेटिकुलर एरिथेमेटस म्यूसिनोसिस है, जनरलाइज मिक्स एडीमा है, प्रीटिबियल मिक्स एडीमा है. और वो डिसऑर्डर्स के जिनके अंदर फोकल म्यूसिनोसिस है वो डिसऑर्डर्स शामिल हैं जनाब लाइकन मिक्स एडीमा, एक्रल परसिस्टेंट पेपुलर म्यूसिनोसिस, क्यूटेनियस फोकल म्यूसिनोसिस और मिक्सोइड सिस्ट, एंड फॉलिकुलर अगर म्यूसिन डिपोजिशन है तो फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस, जो हम ऑलरेडी सीटीसीएल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके. जनरलाइज मिक्स एडीमा वही वैक्सी इनफिल्ट्रेटेड पेप्यूल्स ऑन द स्पाइन. प्रीटिबियल मिक्स एडीमा आप देखते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म, मिक्सोमास, एक्सेसिव म्यूसिन विच इज सेक्रेटेड बाय सिलेट शेप फाइब्रोब्लास्ट, ये पतले पतले से जो फाइब्रोब्लास्ट हैं ये म्यूसिन सेक्रेट करते हैं. म्यूसिन इज एल्शन ब्लू पॉजिटिव एंड पीएएस नेगेटिव, याद रखना है एल्शन ब्लू पॉजिटिव एंड पीएएस नेगेटिव. प्रीटिबियल मिक्सेडीमा ये म्यूसिनस डिपोजिशन है अपर डर्मस में, और म्यूसिन की वजह से जो कॉलेजन बंडल्स हैं वो हैफेजर्ड और टूट टूट से रहे हैं. एल्शन ब्लू कराने से म्यूसिन विल स्टेन ब्लू. लाइकन मिक्सेडीमा जो लोकलाइज्ड फॉर्म है जो आपने
जिसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पेपुलर एमाइलोडोसिस भी आएगा, मैंने आपको भी जिक्र किया। तो यहाँ पे एक इंड्यूरेटेड स्किन है ऊपर उसके, देयर विल बी देयर आर न्यूमरस पेप्यूल्स ऑन टॉप ऑफ दैट। चूंकि छोटे एरिया होगा लैकिनॉइड एम लैकिन मिक्स एडिमा, तो आपको ये भी फोकल डिपोजिशन मिलेगी म्यूसिन। स्लीव मिक्स एडिमा, स्लीव मिक्स एडिमा में देर विल बी यहां पे दो चीजें, एक स्क्लेरोसिस है और एक म्यूसिनस डिपोजिशन है। तो स्लीव मिक्स एडिमा कम्स इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ स्क्लेरोडर्मा। लेकिन फर्क अब स्क्लेरोडर्मा से ये है कि स्क्लेरोडर्मा में तो सिर्फ टाइट स्किन होती है, लेकिन स्क्लीव मिक्स एडिमा में स्किन की टाइटनिंग के साथ आपको देर विल बी लीनियर पेप्यूल्स ऑन द फोरहेड, जिस तरह से यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिस तरह से थिकेंड से पेप्यूल्स इन लीनियर फैशन नजर आ रहे हैं। यहाँ पे स्क्लेरोडर्मा की तरह से डर्मल फाइब्रोसिस भी होगा, और इसके अलावा देर विल बी एबंडेंट म्यूसिन डिपोजिशन बिटवीन द कोलेजन बंडल्स। ये जो आपको ब्लूश एच एन ई स्टेन पे म्यूसिन लाइट ब्लूश सा मटेरियल नजर आता है, और इसकी पहचान ये होती है कि ये कोलेजन को सेपरेट कर रहा होता है। तो हम इवन एच एन ई पे एल्शन डू कराए बगैर भी म्यूसिनोसिस को डायग्नोस कर सकते हैं। अब एल्शन डू कराने से म्यूसिन ब्लू कलर में हाईलाइट हो गया। क्लीरेडीमा एक और स्किन कंडीशन है, कॉमन स्किन कंडीशन है, विच इज कैरेक्टराइज बाय मार्क्ड थिकनिंग एंड नॉन फिटिंग इंड्यूरेशन ऑफ स्किन। दो तरह की होती है बच्चों में, यूजली इट फॉलोज एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और सबसे कॉमन स्ट्रेप्टोकोकस है। इसके अलावा कुछ वायरसेस जैसे मम्स मीजल इन्फ्लुएंजा है दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन स्क्लेरोडीमा। और ओल्ड एज में इट इज डायबिटीज मेलाइटस रिलेटेड डर्मेटोसिस। कॉमन साइट इज बैक ऑफ नेक, कैरेक्टराइज्ड बाय मार्क थिकनिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ स्किन, और स्किन एपिडर्मस हाइट बाउंड होती है, डर्मस से चिपकी हुई होती है। इस तरह जब आप पिंच करने की कोशिश करेंगे तो आपको पिंच करने से एपिडर्मस अलग से पिंच नहीं होगी। The dermis is thickened, often at the expense of subcutaneous fat, and eccrine gland are situated in mid-dermis, जैसे के scleroderma होता है। Scleroderma की changes के साथ साथ there is deposition of mucinous material. तो वो mucin is highlighted by Elshin. Now myxoid cyst. Myxoid cyst बड़े typical सी एक cyst मिलेगी। अगर इसको पंक्चर करेंगे तो उसके अंदर से एक जेलेटिनस सा मटेरियल निकलता है जो म्यूसिनस मटेरियल है, और ये नॉन एनकैप्सुलेटेड वेल डिमार्केटेड एरिया होगा कि जिसके अंदर म्यूसिनस मटेरियल पड़ा होगा। एक एंथोसिस निग्रिकंस, अगेन अ कॉमन डिसऑर्डर विद डिफरेंट एटियोलॉजी, इडियोपैथिक भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है, और एंडोक्राइन रिलेटेड भी हो सकता है, और क्लिनिकली कैरेक्टराइज बाय velvety thickening of the skin, particularly in the flexures and neck, axillary and inguinal region. Or agar hands ke upar hoga to isko kehte hain tribe palms. Thickened skin and accentuation of the skin creases. Acanthosis. Acanthosis ka ek lafz istemal kiya ja raha hai, और एक एंथोसिस का मतलब होता है कि थिकनिंग ऑफ द स्किन, और एक एंथोसिस को हिस्टोलॉजिकली आप उसका उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ हाइपर कैराटोसिस, पेपिलोमेटोसिस एंड एक एंथोसिस। मतलब एक तो स्किन की थिकनिंग है, दूसरा हाइपर कैराटोसिस है, और दूसरा ये पेपिलोमेटोसिस है, स्किन ऊपर की तरफ जा रही है, ये एपिडर्मस ऊपर की तरफ टेंटिंग हो रही है, इसको पेपिलोमेटोसिस कहते हैं। इन चेंजेस के अलावा देर विल बी इंक्रीज इन मेलानिन पिगमेंटेशन इन द बेजल एंड सुप्रा बेजल लेयर्स।
तो जो मेलेनिन है वो एपिडर्मस में रिले एपिडर्मस के में रिस्ट्रिक्टेड है, ये डर्मस के अंदर मेलेनिन नहीं पड़ी हुई एक एंथोसिस निग्रिकेंस की। नाउ सम डिसऑर्डर्स विच आर एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि स्कर्वी, ये मैं स्लाइड लगा चुका हूँ अपने स्लाइड सेशन में, एंड स्कर्वी इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेरीफॉलिकुलर हेमरेजेस, पेरीफॉलिकुलर पेप्यूल्स एंड कॉर्क स्क्रूहेड्स। ये वाली जो अपीयरेंस है, अगर इस हेमरेजेस को निकाल दें तो ये अपीयरेंस ऐसे लग रहा है जैसे केराटोसिस पाइलेरिस, लेकिन यहाँ पे चूंकि हेमरेजेस भी हैं तो इसलिए ये सिर्फ फॉलिकुलर प्रोमिनेंस नहीं है, ये पेरीफॉलिकुलर हेमरेजेस भी, इसलिए हम उसको स्कर्वी कह रहे हैं। ये जो एक अपीयरेंस है ये कॉर्क स्क्रू हेयर की है। जो कॉर्क स्क्रू हेयर होता है वो बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन कैरेटिनाइजेशन ऑफ हेयर, जो हेयर है वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि जैसे कि वेवी सा हेयर, और वो ना मल्टीपल उसके अंदर वेव्स आ जाती हैं, इसलिए जब उसका सेक्शनिंग करेंगे तो मल्टीपल जगहों पे वो हेयर फॉलिकल कट रहा है। और सराउंडेड बाय इंफ्लेमेशन, पिलाग्रा इज विटामिन B6 डेफिशिएंसी, सन बर्न लाइक एरिथीमा होता है आमतौर पे उन एरियाज में कि जो सन एक्सपोज्ड होते हैं, अलोंग विद एक्सटेंसर सरफेस, नी, एंकल, आर्म्स, फेस, नेक, ये एरियाज हैं पिलाग्रा के। पहले इनिशियली इरिथीमेटस, देन डस्की इरिथीमा, देन पिगमेंट, देन नेक्रोटिक एरिया। हिस्टोपैथोलॉजी पिलाग्रा की नॉन स्पेसिफिक, जनरली एक एंथोसिस होगा और कुछ लाइट कलर के केराटिनोसाइट्स होंगे, इसको आप कह सकते हैं केराटिनोसाइट पैलर। लेटर ऑन आपको नेक्रोसिस, जब स्किन में नेक्रोसिस आएगा तो केराटिनोसाइट्स के अंदर भी नेक्रोसिस आएगा, तो नेक्रोटिक केराटिनोसाइट, जो आपको पता है नेक्रोसिस क्लिनिकली विल गिव एन इओसिनोफिलिक होमोजेनस लुक, सेल्स की न्यूक्लियर लॉस हो जाएंगे। एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथी, क्लिनिकली आप लोगों को कभी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ये लीजन्स जो होते हैं ये पैरी और ऑफिशियल लीजन्स, और ये भी उन डिसऑर्डर्स में शामिल हैं कि जिसके अंदर क्यूटेनियस नेक्रोसिस होता है। तो देर विल बी अर्ली चेंजेस इज पैलर ऑफ एपिडर्मस, एंड लेटर ऑन यू विल सी एपिडर्मल फुल थिकनेस एपिडर्मल नेक्रोसिस एंड इंट्रा एपिडर्मल और सबकॉर्नियल वेजिकुलेशन, जो ब्लिस्टरिंग की तरह से स्किन के ऊपर मैनिफेस्ट करेगी, जो एक क्लिनिकल फीचर भी है एक्यूट एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका का। तो पिलाग्रा में भी और एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका में भी, और आगे भी कंडीशन बता रहा हूँ नेक्रोलिटिक एक्रल एरिथीमा, इसमें जो अपीयरेंस है इनिशियली वो एक एंथोसिस और पैलर इन एपिडर्मस की है, एंड लेटर ऑन आपको एपिडर्मल नेक्रोसिस मिल सकता है। नाउ मैक्रोलिटिक माइग्रेटरी एरिथीमा आ गया, विच इज अ कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लूकागोनोमा सिंड्रोम, ये एनुलर एरिथीमा में आता है, और एनुलर एरिथीमा में का टिपिकल डिफरेंस ये है कि इट इज कैरेक्टराइज बाय अ वेजिकोबुलस या पस्टुलर लीजन्स एट द पेरिफरी, कॉमनली इट इन्वॉल्व्स द फ्लेक्सुरल सर्फेसेस एंड इंट्राट्रिजनस एरिया। अगेन पैराकेराटोसिस, पैलर ऑफ केराटिनोसाइट्स एंड लेटर ऑन नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के साथ जब नेक्रोसिस होगा, जिस तरह स्टीवन जॉनसन में नेक्रोसिस होता है, तो नेक्रोसिस के साथ फिर ब्लिस्टरिंग भी रिलेटेड है, क्योंकि एपिडर्मल नेक्रोज होके उस जगह पे एडिमा हो रहा है तो ब्लिस्टर्स भी बन सकते हैं, वेजिकुलेशन एंड ब्लिस्टरिंग। डायबिटिक बुली इज कैरेक्टराइज क्लिनिकली बाय टेंस ब्लिस्टर, क्योंकि सब एपिडर्मल होता है, नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है, इसलिए कोई सराउंडिंग एरिथीमा नहीं होगा। और यू विल सी यहाँ पे ना ब्लिस्टर है, ये ब्लिस्टर की ये नीचे की बाउंड्री है, ये आपको जो नीचे ना मैं फेर रहा हूँ ये डर्मस के पेपली के ऊपर है, और ये ब्लिस्टर भरा हुआ है विथ फिब्रिन एंड सीरम एंड एक्सुडेट सेल पुअर ब्लिस्टर।
तो कंक्लूजन मैंने जेंथोमा का आपको बताया कि जेंथोमा एसोसिएटेड विद फोमी हिस्टोसाइट, एंजियोकेराटोमास आर एसोसिएटेड विद एक्टेटिक ब्लड वेसल्स विद सुपर विद कवर्ड बाय हाइपरकेराटोसिस एंड एकेंथोसिस. क्यूटेनियस एमाइलोडोसिस में जो एमोलॉइड मटीरियल है दैट विल बी डिपॉजिटेड इन द पैपुलरी डर्मिस. सिस्टेमिक में द एमोलॉइड मटीरियल विल बी डिपॉजिटेड इन द रेटिकुलर डर्मिस. कोलॉइड माइलियम में सिमिलर अपीयरेंस होगी लेकिन मोर डिपोजिशन होगी, नोड्यूलर अपीयरेंस होगी फेसेटेड मटीरियल की, फोकल फेसेटेड मटीरियल की इन द पैपुलरी डर्मिस. पोर्फायरिया में पीएस पॉजिटिव मटीरियल डिपॉजिट होगा ब्लड वेसल्स में. और लिपॉइड प्रोटीनोसिस में इन एडिशन टू ब्लड वेसल्स सराउंडिंग द स्वेट कॉइल्स. गाउटी टोफाई के एचएनई में अमॉर्फस मटीरियल मिलेगा विद सराउंडिंग फॉरन बॉडी जॉइंट सेल रिएक्शन. कैल्सिनोसिस में आपको वेग इरेगुलर शेप डार्क ब्लू डिपॉजिट्स मिलेंगे इन द डर्म्स. मिक्स एडिमा में कोई भी कॉज का मिक्सॉइड डीजनरेशन या मिक्स एडिमा है तो यू विल सी म्यूसिनस डिपोजिशन, म्यूसिन डिपोजिशन जो आप कोलेजन बंडल्स को सेपरेट कर रहे होंगे और एल्शन डू में आपको आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं. डिफ्यूजली भी हो सकते हैं और फोकली भी. एकेंथोसिस निग्रिकेंस इज कैरेक्टराइज बाय एकेंथोसिस एंड इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ द एपिडर्मिस. एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका, नेक्रोलिटिक एक्रोलिथीमा, पिलाग्रा, इन तमाम के अंदर अर्ली फाइंडिंग इज एपिडर्मल पैलर, लेटर फाइंडिंग इज एपिडर्मल नेक्रोसिस एंड वेजिकुलेशन. और जनाब दिस दैट्स ऑल. कोई सवाल है तो सवाल पूछ लीजिए आज के टॉपिक से रिलेटेड. नो क्वेश्चन सर. आपने ये जो कंडीशंस बताई हैं कि जो थ्री दो कंडीशंस बताई हैं, इनफैक्ट थ्री बताई हैं, एपिडर्मस की पैलर फॉलोड बाय एपिडर्मल नेक्रोसिस एंड वेजिकुलेशन एंड वेजिकुलेशन. दिस कम्स सर ये एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका, पेलेग्रा एंड नेक्रोलिटिक एक्रोलिथीमा, सॉरी नेक्रोलिटिक माइग्रेटरी एरिथीमा, माइग्रेटरी एरिथीमा, migratory erythema. So these three, having these three features, epidermal pallor followed by necrosis followed by vesiculation. Thank you very much, sir. No other question? Sir, ये epidermal pallor का क्या मतलब होता है? Epidermal pallor का logically जिस तरह pallor ही होता है, जो keratinocytes हैं वो usually eosinophilic cytoplasm रखते हैं. तो जब वो यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म पेल येलोइश या व्हाइटिश साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको एपिडर्मल पैलर कहेंगे. और एपिडर्मल पैलर का मतलब भी यही है कि एपिडर्म के सेल्स के अंदर एडिमा हो रहा है, इंटर सेलुलर एडिमा हो रहा है, इंट्रा सेलुलर एडिमा. थैंक यू सर. सर थोड़ा सा पीएस 10 का सर सिग्निफिकेंस बता देंगे? किसका सर? पीएस 10 का पीरियोडिक एसिड शिफ्ट होता है. पीएस का मतलब कुछ प्रोटीनेशियस मटेरियल ऐसे हैं कि जो पीएस का स्टेन ले लेते हैं और मेनली हम इसको यूज करते हैं पीएस स्टेन को फंगाई में, क्योंकि फंगल वॉल के अंदर कोई ऐसे केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स हैं जो पीएस पॉजिटिव है. माइकोलिपिड कोई मेम्ब्रेन है, मैं बहुत ज्यादा इस वक्त मैं याद नहीं है मुझे, लेकिन जो फंगल सेल मेम्ब्रेन है वो पीएस मटेरियल ले लेती है. तो इसलिए पीएस 10 को हम मेनली डायग्नोस करते हैं सुपरफिशियल या डीप फंगल इन्फेक्शंस के डायग्नोसिस में. और बाज दफा जिस तरह से अभी मैंने दो तीन कंडीशंस बताई कि उसमें वही प्रोटीनेशियस मटेरियल पीएस को पीएस 10 ले लेता है, मतलब पीएस वहां जाके अटैच होके. तो ये सारे स्टेन्स जो है ना, ये एल्शन ब्लू, ये सारा है ना जिस प्रिंसिपल पे एक्ट करते हैं वो ये करते हैं कि ये जो केमिकल्स हैं ये कोई पर्टिकुलर साइट्स पे जाके अटैच होते हैं एंड देन इट कॉजेज एन एंजाइमेटिक रिएक्शन जिसकी वजह से कलर चेंज आती है. ये सब एंजाइमेटिक रिएक्शन और कलर चेंज उस मटेरियल का हिस्सा है, उस प्रोसेस का हिस्सा है.
जी सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. चलो जी, थैंक यू वेरी मच. तो वी आर एंडिंग टुडे सेक्शन. फिर अगले जो भी लेक्चर होगा उसके लिए मैं आपको बाद में.